तो आज की वीडियो कोरल ड्रॉ वर्सेस एलुस्ट्रेटर पर है। जो काम हम कोरल में करते हैं वो एलुस्ट्रेटर में कैसे करें, इस चीज़ के लिए अक्सर लोगों को दिक्कत आती है। तो ये आज की छोटी सी वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ तीन बॉक्स ले लिए, एक दो तीन। अब मैंने तीन बॉक्स ले लिए, अब मैं चारों इनके बीच में कुछ इक्वल डिस्टेंस आ जाए, मतलब ये कुछ दूरी तक ही जाए, तो मैं यहाँ 5 mm ले लेता हूँ। ये मैंने क्लिक किया एरो की से अप और एरो की से लेफ्ट, ये मेरे डिस्टेंस इक्वल हो गया। अब ये डिस्टेंस अगर मुझे एलुस्ट्रेटर पर करना हो तो मैं सिंपल यहाँ एलुस्ट्रेटर पर जा रहा हूँ, ऊपर प्रेफरेंस में जा रहा हूँ और यहाँ पर आ रहा है आपका कीबोर्ड इंक्रीमेंट, इसमें मैं सीधा 5 mm डाल देता हूँ और ओके। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और एरो की से ऊपर और एरो की से लेफ़्ट, तो मेरा सेम डिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास बॉक्स है और मैं इसमें कॉन्टूर मारना चाहता हूँ, तो कॉरल में तो आपके लिए सिंपली आप यहाँ पे जाएं, कॉन्टूर पे अप्लाई करें, आपको आउटसाइड मारना है या इनसाइड मारना है, कितने mm का मारना है वो आप यहाँ से मार सकते हो। अब यही चीज़ मुझे एलुस्ट्रेटर पर करनी हो तो मैं एलुस्ट्रेटर पर गया, यहाँ मैंने अपना बॉक्स सेलेक्ट किया। मैं ऑब्जेक्ट में ऑप्शन आपके पास आता है पाथ और ऑफसेट पाथ, मैं यहाँ प्रीव्यू कर लेता हूँ। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 5 mm डालता हूँ तो मेरा 5 mm आउटर साइड लग गया। अब अगर ये मुझे इनसाइड मारना हो तो मैं इसके आगे सिंपली माइनस प्रेस कर दूँगा, ये मेरा इनसाइड काउंटर लग गया, ठीक है। इसके बाद मेरे पास तीसरा ऑप्शन ये आता है कि मेरे पास यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, मैं चारों ये ऑब्जेक्ट पीछे चला जाए और ये आगे आ जाए, तो इसके लिए मैं मुझे जिसे पीछे करना है उसको सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट के साथ पेज डाउन कर दूँगा। अभी मेरा ऑब्जेक्ट पीछे चला गया और शिफ्ट के साथ पेज अप करूँगा तो ऊपर आ जाएगा। सेम चीज़ एलुस्ट्रेटर में करने के लिए यहाँ मैंने दो बॉक्स ले लिए, मैंने फ्रंट वाले बॉक्स को सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट के साथ ब्रैकेट सेलेक्ट करूँगा तो ये मेरा बैक में चला जाएगा, अगेन ब्रैकेट प्रेस करूँगा तो मेरा अप में आ जाएगा, ओके। अब मेरे पास चौथा क्वेश्चन ये आ रहा है कि मेरे पास इमेज है, ये मुझे इसके अंदर पावर क्लिप करनी है, तो सिंपली अपनी इमेज पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और पावर क्लिप कर दूँगा। पावर क्लिप शॉर्टकट किसे भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करें अपने पावर क्लिप की जो भी शॉर्टकट की बना रखी है उसको अप्लाई कर दें। शॉर्टकट की कैसे बनती है ये मैं, इसकी मैंने एक वीडियो और बना रखी है, ऊपर आपके पास ये सजेस्ट लिंक आ रहा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यही चीज़ मुझे अपने एलुस्ट्रेटर में कैसे करना हो तो एलुस्ट्रेटर में अपनी इमेज पर गया, यहाँ मैं दोनों ही ऑब्जेक्ट को अपने को सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मार्क्स कर लेता हूँ, ये मेरा पावर क्लिप हो गया इजी। अच्छा इसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन ये आता है कि हम अपना पेज साइज कैसे चेंज करें, क्योंकि तो कॉरल में तो सबको पता है सिंपल यहाँ पे आप अपना 200 mm से 500 कर देता हूँ, इसे 500 कर देता हूँ, ये मेरा कॉरल का पेज साइज चेंज हो गया। और यही चीज़ मुझे एलुस्ट्रेटर में करनी हो तो सिंपली डॉक्यूमेंट में जाऊँगा, यहाँ एडिट आर्टबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपके पास वैल्यू आ गई है विड्थ इंटू हाइट, यहाँ मैं 500 कर देता हूँ और यहाँ 500 कर देता हूँ, ये मेरा पेज साइज हो गया चेंज, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम अपनी चीज़ों को mm से इंचों में कैसे देखें या इंच से mm में कैसे कर लें, तो कॉरल में तो सिंपल ही आपके पास ऊपर ऑप्शन आ जाता है इंच, आपकी सारी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब इंच में हो गए। एलुस्ट्रेटर के लिए आप सीधा डॉक्यूमेंट सेटअप में जाएं, यहाँ mm लिखा है, यहाँ मैं इसको इंचेस कर देता हूँ और अभी मेरे सारे ऑब्जेक्ट अब इंचेस में नज़र आएंगे, ये देखिए इंचेस 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 इंचेस। तो आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, थैंक यू।